तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं हूँ एशियाज क्लेन विलेज, माइलिंग लॉन्ग विलेज। तो यार नाम प्रोनाउंस नहीं हो रहा मेरे से, आपको पता ही, यहाँ का बहुत टफ है नाम। तो ऐसा कुछ है, रात को ये भैया मिल गए थे मुझे डौकी के पास। तो इन्होंने शिलोंग जाना था, तो मुझे कह रहे थे कि चल मैं चल रहा हूँ। तो मैंने बोला भैया मुझे क्लीन विलेज में जाना है। बोलते चल कोई नहीं, वहाँ चलते हैं। तो फिर रात को हम यहीं पे रुके थे। तो ये है कुछ होम स्टे जहाँ पे हम रात को रुके थे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का एशियाज क्लीन विलेज, जिसको कि 2003 में एशिया का सबसे क्लीन विलेज होने का अवार्ड भी मिला है। तो चलो फिर। तो ये देखो भाई, जैसे कि आप देख सकते हो कितना क्लीन है, रोड वगैरह कितना क्लीन है, ये घर वगैरह कितने क्लीन है, आपको गंद दिखेगा नहीं बिल्कुल। तो ऐसा कुछ है, यहाँ पे गेस्ट हाउस है और यहाँ पे द लोकल टी स्टॉल। तो ये कुछ एरिया है, सारा आपको पूरा क्लीन दिखाई देगा। और ये बैम्बू से बनाए हुए घर हैं। पहले तो आज से कोई 20-30 साल पहले टोटल बैम्बू से घर होते थे, लेकिन आजकल कहते हैं कि अब डेवलप हो गया तो इसलिए बैम्बू नहीं है, अब वो बना दिया। और यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस भी है भारत सरकार का। तो चलो आपको मैं पूरा गांव दिखाता हूँ। ये जगह जो है ये पार्किंग के लिए है, ये सारी पार्किंग के लिए है। वो जो दिखाई दे रहा है आपको, ये लकड़ी वाला डस्टबिन, जो भी गंद जिसको भी मिलेगा वो इसमें डाल देगा। तो ऐसा कुछ है, देख सकते हो यार कितना खूबसूरत गांव है। देखो जी, कोई ब्लॉगर यूट्यूबर आया, उसने ड्रोन उड़ा रहा है। ये देखो ड्रोन उड़ा के पूरा यहाँ का दिखा रहा है। तो ये कुछ हट्स वगैरह है, मैश वगैरह बनाए हुए हैं इसमें, कितना अच्छा है। आप लंच डिनर ब्रेकफास्ट सारा कुछ कर सकते हो। पार्किंग के लिए कार है लगाई हुई है। और ये गेस्ट हाउस है, और ड्रोन चला गया उसका पूरा सर्वे करने के लिए। चलो जी, अब है एंट्री पॉइंट। नोट एंट्री फॉर टूरिस्ट व्हीकल। ओके, व्हीकल के लिए नहीं है, कोई बात नहीं, हमको व्हीकल की ज़रूरत भी नहीं है। तो देखो भैया, ऐसा कुछ है, मेघालय में आया तो पूरा यार नज़ारे ही नज़ारे। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, एशिया के सबसे क्लीनेस्ट रिवर, एशिया की सबसे लंबी गुफा और एशिया के सबसे क्लीनेस्ट विलेज, सारा कुछ क्लीन क्लीन मेरे को लगता है यहीं पर है और कहीं नहीं है। तो अब ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये बैम्बू से बनाया हुआ पुल। वाओ, ऐसा कुछ पुल है, ये बैम्बू से बनाया हुआ। यहाँ पे एक फुटबॉल ग्राउंड भी है, ये देख सकते हो। तो यहाँ के बच्चे लोग यहाँ पे खेलते होंगे शायद। और आगे यहाँ पे एक ट्री हाउस भी है, तो आपको वो दिखाता हूँ ट्री हाउस कितना ज़बरदस्त है। तो यार कसम से यार, इतने पूरे गांव को साफ करके रखना कोई छोटी बात नहीं है यार, बहुत ज़बरदस्त वाली बात है। बाकी आपको ट्री हाउस दिखाते हैं, चलो। ये आ गया जी माउलिंग नॉन्ग विलेज, यहाँ से एंट्री है माउलिंग नॉन्ग विलेज की। और ये देखो जी कुछ ट्री हाउस, यहाँ से रास्ता है, चलो चलते हैं। छुट्टी यार, संडे क्लोज होता है और आज संडे ही है, अब क्या कर सकते हैं, जा तो नहीं सकते ट्री हाउस में। आपको नीचे से दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ है जी, ये ट्री पॉइंट, ट्री हाउस और व्यू पॉइंट, क्या कर सकते हैं, जा तो सकते नहीं है यार, अनफॉर्चुनेटली आज संडे ही हो गए। चलो आगे चलते हैं, तो आगे दिखाते हैं आपको कुछ। यहाँ पे चर्च भी है इन लोगों का यहाँ पे। हाय, हाउ आर यू? आई एम
फाइन। व्हाट इज योर नेम? संजय नाई। संजय नाई, हाय। हेलो, हाय ब्रो। हाय ब्रो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। राइट नाउ ओपन, ओपन, दिस इज ओपन, चर्च ओपन, ओपन, हां ओपन। ओके, ये देखो जी क्या जबरदस्त चर्च है यार। यहाँ पे जो भी प्रार्थना वगैरह होती है तो उसका म्यूजिकल सिस्टम है, तो यहाँ पे खड़े होके बोलते हैं जो भी है। तो यहाँ पे जो मेन फास्टर जी होते हैं वो आके यहाँ पे प्रेयर करते हैं, कैंडल्स लाते हैं। तो अच्छा कुछ चर्च है यहाँ का, ये देख सकते हो, ये होली बाइबल रखी हुई है। जय हो जीसस। जय हो जीसस। और हाँ यार, यहाँ पे एक चीज़ मुझे पता लगी, लोकल से मैंने पूछा कि यहाँ पे हर चीज़ इतना क्लीन क्लीन क्यों है और ये विलेज को क्लीन का अवार्ड क्यों मिला है। तो सुनने में आया है कि इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। कहने में आया, कहते हैं कि यहाँ के लोग आज से 100-200 साल पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ी बीमारी आई थी, हैजा, तो जिससे कि यहाँ के बहुत बच्चे लोग, बहुत लोग मर रहे थे। तो इनका एक पुराना कोई वैद्य था, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, इसकी एक ही इलाज है कि तुम इस जगह को बहुत साफ़ सफाई करके रखो, जितना हो सकता है साफ़ सफाई करके रखोगे तो जो हैजा से फैलने वाली बीमारी है ये ठीक हो जाएगी। तो तब से ही लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमको कहा था कि ये करना है, वो सब साफ सफाई करना, और तब से हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी इसको फॉलो करते आ रही है। तो हमारे अब ये जीन्स में बन चुका है कि सुबह उठना है तो सफाई करनी है, तो ऐसा कुछ है। तो ये बड़ी हिस्ट्री है जी, इस वजह से इस विलेज में जितने भी लोग हैं सुबह से शुरू हो जाते हैं सफाई करना और सफाई करते ही रहते हैं। तो अभी देखते हैं, कोई मिलता है तो दिखाते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। वैसे तो अभी सारे सोए हुए हैं शायद, या पता नहीं काम काज में लग चुके हैं अपने। चलो अभी तो काफ़ी बड़ा गाँव है, दिखाना है आपको पूरा। देखो जी मुर्गी और वो छोटे छोटे सुपारी रखी हुई है निकाल। तो एक ये छोटा सा यहाँ पे टी स्टॉल पॉइंट है जो कि अभी बंद है मेरे ख्याल में, और जब टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे वॉशरूम भी अवेलेबल है और देसी पानी पीने के लिए नलका लगा हुआ है। यहाँ पे लेडीज़ इस साइड जेंट्स जा सकते हैं, और ये गाँव की पार्किंग है मेरे भी। क्या चाय पीना था मुझे, यहाँ सारा इस टाइम अभी बंद हो रखा है शायद, ये रेस्टोरेंट है। ये आसपास सराउंडिंग में घर है। वेलकम टू माइलिंग नॉन अटेंशन। तो जी ऐसा कुछ था गांव यहाँ का, एशियाज क्लीन विलेज। तो दिखा दिया आपको मैंने, बस अब निकलता हूँ। वो जो भैया है दूसरे वेट कर रहे होंगे मेरा, वो तो आए नहीं मेरे साथ। तो चाय वाय पीते हैं, निकलते हैं, और निकलते हैं शिलोंग के लिए सीधा। और अब शिलोंग में जा रहा हूँ मैं, उन्होंने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया हुआ है। तो चलो देखते हैं ज़रा वहाँ का कैसा है, जहाँ पर वो रहते हैं कैसा इलाका है, कैसे माहौल है, कैसे लोग रहते हैं, तो वो आपको दिखाएंगे। तो ऐसा कुछ है भैया, यहाँ पे वेट कर रहे हैं हमारा, तो बस अब चलते हैं। ये देखो बिल्लू कैसे बिस्कुट खा रही है, खिलाना इसको दोबारा, खिलाना। ये देखो बच्ची कैसे इनको बिस्कुट खिला रही है, कैट को। ओह माय गॉड, सो स्वीट। व्हाट इज योर नेम? किट्टी। योर नेम किट्टी? नो, बामेलाई हुन। हां, बामेलाई हुन। Speak soundly. Bamilai hun.
Bami Laihun. Okay, your cat name? Kitty. Kitty. Okay. Dekha ji, yahan ka kitna tough name hai. Can I enter? Yes. Oh. तो देखो जी यहाँ का कितना साफ सुथरा तो इलाका है ही है, साथ में घर देखो. वाह, ये वो भैया जो मेरा वेट कर रहे हैं और अब निकलना है. तो भाई हो गया, देख लिया भैया मैंने, तो चलते हैं अब, है ना. तो यहाँ का इनका किचन देखो. ओह माय गॉड, ये ट्रेडिशनल तरीके से पकाया जा रहा है. चाय देखो कैसे कमाल है यार. तो ये अंकल जी है वो जिनके गेस्ट हाउस में हम कल रात को रुके थे. थैंक यू अंकल जी. देखो रोटी बनाता सब कुछ है. अच्छा रोटी बनाता है. रोटी बनाता. ओके. देखो अंकल जी खुद बना रहे हैं रोटी और ये चाय गरम. ये आंटी जी हैं जी, ऐसा कुछ घर है. बड़ा खतरनाक सिस्टम है यार यहाँ पे. तो बोर तो नहीं हुए बैठ बैठ के? हाँ बोर तो नहीं हुए. नहीं नहीं हुए बोर. तो ये क्या चीज़ है वो जो लगी है एकदम? क्या ये वाला? ये नीचे नीचे ये हाँ ये तीन चीज तीनों का एक बार दवाई. दवाई किस चीज़ का दवाई है ये? गैस्ट्रिक का दवाई. गैस्ट्रिक. अच्छा गैस्ट्रिक वगैरह हो जाए उसके लिए दवाई है. ठीक है. आयुर्वेदिक. ओके आयुर्वेदिक. हाँ क्या बात है जी, क्या बात है. हाँ तो आपका एक ही बच्चा? हाँ तीन बच्चा. अच्छा तीन. एक लड़का. कहाँ दो कहाँ? Hello. Hi. How are you doing? Where are you going, Kitty? Booty. Oh, Kitty, where are you going? Booty. तो ये जी आ गई अपनी चाय पीते हैं. चाय ये नहीं खाएंगे. चाय के साथ में और कमाल की चीज देखो जी, ये बिल्ली आंटी जी के साथ बैठ के आग सेक रही है, खाना पकवा रही है. पता नहीं यार कमाल है यार, इतनी फ्रेंडली. ओह माय गॉड. तो इनका एक लड़का ये, व्हाट योर नेम? एल नाथन. शुक्र है पहली बार कोई मैंने प्रोनाउंस कर लिया अच्छे से. यू स्पीक हिंदी? नो ओनली इंग्लिश एंड खासी. यस. वाओ यार क्या बात है जी, क्या बात है. कैटी कम हियर. कैटी. देखो थोड़ा आगे पीछे हिल रही, सोच रही कौन बुला रहा है मुझे. तो देखो जी अब अंकल जी हमारे लिए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भी बना दिया इन्होंने, तो बस अब खा के निकलना है. तो ये है जी वाइट चने, जैसे कि आपको बताया. तो वाइट चने और चपाती, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ यार मेघालय में, मैंने चपाती खाई नहीं है. बस एक बार पूड़ी खाई थी, उसके बाद मैंने खाई नहीं, और आज फर्स्ट टाइम खाने को मिलेगा चपाती यहाँ पर. तो ऐसा कुछ है यार, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है इनकी. शुक्रिया अंकल जी आपका बहुत, थैंक यू सो मच. करो स्टार्ट करो. तो ये देखो जी बिल्ली भी हमारे साथ बैठ के खा रही है. तो ये भैया है, चपाती और छोले तो हम खा ही रहे साथ में. बिल्ली यार कितनी फ्रेंडली है, देखो बिल्कुल साथ में ही बैठ गई है. सही है यार, बड़ा सही है. खुश. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच. ओके जी. ये वीडियो आएगा आपका, ठीक है. सो गाइस बाय बाय. क्लीनेस्ट विलेज का ब्लॉग खत्म हुआ, तो बस अब हम चलते हैं भैया जी के साथ शिलोंग. तो उसके बाद देखते हैं फिर कहाँ जाना है, क्या जाना है. तो ऐसा कुछ सीन है. तो यहाँ का टूर हो गया जी खत्म. जी बात कुछ ऐसी है कि इनके पापा जी ने इनके लिए